दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं एक बेहतरीन से प्लान के और जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे होंगे इसी सी को बहुत ही सिंपल प्लान है क्योंकि यहाँ पर मैंने ज़्यादा चीज़ें क्रिएट नहीं की हैं ये प्लान क्या होता है दोस्तों अगर आप एक लो बजट घर बनवाना चाहते हैं मतलब नॉर्मल मिडिल क्लास में आप रहते हैं तो ऐसे ही प्लान क्रिएट किए जाते हैं अगर आप हाई फाई क्लास है तो आपका थोड़ा फ्रंट एलिवेशन कुछ और चेंजमेंट किया जाता है तो ये एक मिडिल क्लास के लिए बेहतरीन सा घर है और यहाँ पर जो मैंने साइज़ वग़ैरह दिया वो भी बहुत बेहतरीन से दिए हैं पूरा एलिवरेट करेंगे इसका इसका फ्रंट है जो बीस फिट चौड़ा है और इसकी लंबाई जो है वो तैंतालीस फिट है ओवरऑल तैंतालीस फिट में पूरा मकान बना है बीस बाई तैंतालीस फिट ये घर का नक्शा है इसका मैंने ग्राउंड फ्लोर ही क्रिएट किया है क्योंकि हमारे एक जानने वाले हैं उनके कहने पर इस मॉल को डिजाइन किया है और उन्हीं की रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग डिजाइन है लेकिन अगर आपका भी प्लाट बीस बाई चालीस है तैंतालीस है पैंतालीस है इसका इस टाइप का है तो आप भी इस प्लान को सिलेक्ट कर सकते हैं और लो बजट में बेहतरीन सा घर बना सकता है तो इसी मॉडल को आज हम डिस्कस करेंगे आपके सामने पूरा तो बने रेस्ट वीडियो में लगातार मैं ओपन झागड़ा और आप देख रहे हैं अपना चैनल स्मॉल हाउस प्लान दोस्तों स्माल हाउस प्लान पर आपको लगातार अपडेटेड वीडियो मिलते हैं नए नए डिज़ाइन मिलते हैं नए नए मॉडल मिलते हैं तो आप जब भी घर बनवाने की सोचें तो एक बार इस चैनल पर जरूर विजिट करें जिससे आप, आप वीडियो देख करके एक नया आइडिया ले सकें और बेहतरीन सा घर बना सकें तो आज का जो प्लान है बीस बाई तैतालीस फिट उसे डिस्कस करते हैं तो इसका फ्रंट एलिवेशन तो देखिए दोस्तों ये है मैं आपको बता दूँ ये गेस्ट रूम है ये इधर गेस्ट रूम है जिसके लिए मैंने अलग से डोर और अलग से विंडो दे रखा है आप यहाँ से एंट्री कर सकते हैं बाहर से भी एंट्री कर सकते हैं गेस्ट रूम में वहीं पर ये इसका मेन डोर है जो कि लगभग आठ फीट का साढ़े आठ फिट का मेन डोर है और यहाँ से आप एंट्री कर पाएंगे अपनी बाइक वगैरह बड़ा सा डोर है आप एंट्री कर पाएंगे यहाँ से तो सबसे पहले इसकी ग्राउंड फ्लोर की बात करें अगर हम तो ये इसका ग्राउंड फ्लोर है ये देखिएगा ग्राउंड फ्लोर है और यहाँ से आप एंट्री करके आएंगे तो ये सबसे पहले आपको ये बड़ा सा एरिया मिलता है जब पार्किंग एरिया है आप यहाँ पर आ, पार्किंग वगैरह कर सकते हैं और यहाँ से, यहां से, से और तो यह आपकी स्टेयर से यहाँ से चढ़ना स्टार्ट करेंगे ऐसे और टर्न होकर ऊपर बाहर की तरफ आ जाएंगे तो ये आपकी स्टेयर्स हो गई वही जो गेस्ट रूम था आपका एक बाहर से डोर विंडो दिया है एक अंदर से भी डोर और विंडो मैंने दिया है यहाँ पर आप सोफ़ा वगैरह टी वी वगैरह लगा सकते हैं ये आपकी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग है इसके जस्ट पीछे आपका ये बड़ा सा लेट एंड बात मैंने क्रिएट किया है जिसके लिए ये डोर दिया है मतलब कि जो पार्किंग एरिया है वहीं से डोर लेट एंड बात के लिए दिया है लेट एंड बात का एरिया काफ़ी बड़ा है और यहाँ पर आप पूरी दोनों चीज़ें बहुत ही अच्छे से अपना मैनेज कर पाएंगे इसके बाद मेन डोर ये है यहाँ से एंट्री करेंगे इसके एक विंडो भी दिए वेंटिलेशन के लिए तो यहाँ पर आपका ये एरिया जो है आप इसे डाइनिंग एरिया कन्वर्ट कर सकते हैं क्योंकि यहाँ पर ये आपका किचन है किचन के लिए डोर और विंडो किचन के जस्ट बगल में ये पूजा घर आपको मैंने दे रखा है और सबसे पीछे आपके दो बेडरूम और दे रखे है अब एक बात और आती है अगर आपके पीछे भी रोड है क्योंकि जो इनका रोड था उनके पीछे भी है तो आप इन दोनों कमरों में एक एक विंडो रख सकते हैं जिससे प्रॉपर हवा वग़ैरह पास होती रहेगी वेंटिलेशन होता रहेगा और अगर आपका विंडो नहीं है मतलब कि डोर नहीं तो आप बीच में जाल रखवा सकते हैं जिसमें जो आंगन टाइप का जो है आपका डाइनिंग एरिया टाइप का यहाँ पर ऊपर से रोशनी हवा पास होती रहेगी तो आपका पूरा घर भी प्रॉपर तरीके से वेंटिलेटेड ये तीन बेडरूम आपके निकल आता है बेडरूम का साइज भी काफी पर्याप्त है बारह बारह फिट के बेडरूम्स आपको मिलते हैं वहीं पर आपको बड़ा सा किचन बड़ा सा लेट बाथ पूजा घर स्टेयर्स डाइनिंग, डाइनिंग और डाइनिंग हॉल और यह पार्किंग वगैरह भी आपको बेहतरीन सा देखने को मिल जाता है और बहुत ही बेहतरीन सा मॉडल आपका ये होने वाला है और अगर इस मॉडल की बात करें विथ फिनिशिंग तो आठ से नौ लाख रुपए में आपका ये तैयार भी हो जाएगा अगर आप बेस मॉडल बनवाते हैं बेस से बनवाते हैं ग्राउंड फ्लोर से बनवाते हैं क्योंकि ग्राउंड फ्लोर पर आपका पैसा थोड़ा सा ज़्यादा लगता है और इसके बाद फर्स्ट फ्लोर पर कम पैसा लगता है अब बात करते हैं इसके फर्स्ट फ्लोर की तो फर्स्ट फ्लोर पर वही साढ़े तीन फिट का चारों तरफ बाउंड्री वॉल और फ्रंट में एक ग्रिल इस्तेमाल की ब्लैक कलर का कॉम्बिनेशन दिया है ग्रिल में जो आपका वॉल है और ये आपको स्टेयर जो आपका जीना था उसको ढकने के लिए गुमटी बना रखी है ये आपका ऊपर आप जिससे आएंगे और ये आपकी लास्ट में इस पर जीने को ढक दिया जाता है और देखिएगा आपका इधर से आपका क्लोज है अगर पीछे से आपका ओपन है तो आप यहाँ पर विंडो रख सकते जैसा कि मैं बताया और इधर भी आपका क्लोज है तो ये पूरा प्लान आपका ओवरऑल बनकर रेडी हो जाता है बेहतरीन सा और ये देखिएगा बेहतरीन सा प्लान आपका बनकर रेडी हो गया तो आठ से नौ लाख में एक बेहतरीन सा प्लान आप ये क्रिएट करवा सकते हैं चौबीस बाई चालीस तैंतालीस फिट मतलब कि लगभग आठ साढ़े आठ सौ स्क्वायर फीट एरिया आपका बन जाता है और एक बेहतरीन सा घर भी आप इसमें बना पाएंगे तो वीडियो कैसा लगा हमें जरूर बताएं वीडियो बता 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 को लाइक एक जरूर कर दें कोई भी डाउट है तो कमेंट सेक्शन में जाकर पूछ सकते हैं थैंक्स फॉर वॉचिंग